वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी यह वीडियो सिविक्स का है सिविक्स बोले तो लोकतंत्र का है और यह सिर्फ मल्टीपल चॉइस वीवीआई क्वेश्चन है यानी कि अगर आप अपना पेपर एग्जाम में जब खोलिएगा ठीक है तो उस इसी से, इसी से वीडियो से आपका जितना भी मल्टीपल चॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में रहेगा तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो पहला क्वेश्चन है भारत में कहा औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए क्या है आरक्षण की व्यवस्था है वो भी कितना व्यवस्था है तो यानी फिफ्टी परसेंट पूरा व्यवस्था है यहाँ आगे देखेंगे हम लोग तो पता चलेगा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ डरबन में नस्ल वेद विरोधी सम्मेलन हुआ कब हुआ था डरबन में नस्ल वेद विरोधी तो दो में हुआ था अगला क्वेश्चन है यहाँ देखिएगा इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो यहाँ पे मेगास्थनीज हो जाएगा याद रखिएगा इंडिया पुस्तक इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है अमेरिका में अश्वेत शांति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा यानी 1966 में उभरा ठीक है ये याद रखिएगा आप लोग किस संस्था में महिलाओं को फिफ्टी परसेंट आरक्षण प्रदान किया जाता है तो स्थानीय पंचायती राज संस्था आपको अभी ये बताए थे कि पंचायती राज संस्था में पचास परसेंट छूट मिलता है यानी आरक्षण मिलता है महिलाओं को ठीक है अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई तो सबसे पहले चेन्नई में हुआ था भारत में चेन्नई जो है वहाँ पर हुआ था कब किया गया था अगर क्वेश्चन पूछे तो सोलह में नगर निगम की स्थापना भारत में सबसे पहले हुआ था अगला क्वेश्चन है बिहार के पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई तो उन्नीस में हुआ ठीक है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की क्या भाषा है तो सिंहली बोला जाता है श्रीलंका में सबसे ज़्यादा लोग सिंहली बोलते हैं अगला क्वेश्चन है पंद्रहवीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी है तो पंद्रहवीं जब लोकसभा हुआ था तो उस समय महिलाओं की संख्या फिफ्टी नाइन यानी साठ में एक कम याद रखेगा उनसठ टोटल था लोक तंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा तो जनता के लिए शासन है यह कथन किसने कहा तो अब्राहम लिंकम ने वो बोले थे अब्राहम लिंकम की देखिये लोकतंत्र से किसको फायदा यानी कि जनता का है भाई टोटल जनता ने बनाया है किसके द्वारा बनाया गया है जनता के द्वारा बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है तो जनता के लिए बनाया गया है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए कृषि कार्य में महिलाओं की कुल कितनी भागीदारी है तो याद रखिए खेती का जो भी कृषि के कार्य है उसमें महिलाएं भी सहयोग देती हैं चालीस परसेंट महिलाओं का सहयोग है ठीक है भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है तो यहाँ लिखिए अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है पंद्रहवीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ तो यानी पंद्रहवीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में सोलहवीं लोकसभा में महिला महिला सदस्यों की संख्या कितनी है तो इकसठ है याद रखिएगा यहां पे देखिए पंद्रहवीं शताब्दी का भी शताब्दी में उनसठ था और दो ठो बढ़ गया यानी कि सोलहवीं शताब्दी में महिलाओं का संख्या उसमें बढ़ गया एकसठ हो गया यहां देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ यानी झारखंड राज्य बिहार से कब कट के अलग हो गया तो पंद्रह नवंबर दो को क्या हो गया बिहार से अलग हो गया ठीक है अगला क्वेश्चन है कि सोलहवीं सोलहवीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ तो 2014 में हुआ था इसको डीपली समझते चलेगा आप लोग और अभी ही इसको याद कर लीजिएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है तो जो ग्राम कचहरी आपके पंचायत में चलता है उसका ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है संघ सरकार का उदय ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कहाँ हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे किसको बोला जाता है अगर उदय सॉरी संघ सर, संघ सरकार का उदाहरण जो है एग्जाम्पल के रूप में ये क्या है अमेरिका हो जाएगा यानी संघ सरकार का एक उदाहरण अगर पूछ दिया जाए कौन होगा तो अमेरिका एक होगा संघ सरकार ये है अगला क्वेश्चन है बिहार या भारत कोई भी दोनों पूछे अगर पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना परसेंट यानी कितना प्रतिशत सीटों का आरक्षण है तो पचास परसेंट अगर भारत में बोलो कि भारत में बताइए पंचायती राज में कितना परसेंट महिलाओं का आरक्षण है तो पचास परसेंट इसमें भी उस समय से हम लोग पचास परसेंट पढ़ रहे हैं यानी देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें जो भी न्यायाधीश होते हैं ठीक है ठीके? उसका नियुक्ति यानी कि उसका वैकेंसी कौन करता है यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है वो अगला है भारत को किसका संघ कहा गया है तो राज्यों का संघ है आपको पता है कि पूरा भारत देश 28 राज्यों से मिलकर बना है पहले 29 था अब 28 हो गया है ठीक है अगला देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया तो तीन सूचियों में बांटा गया यानी कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र को तीन सूचियों में बांटा गया है इंडीज संगठन की स्थापना कब हुई ठीक है अगर ऐसा पूछे तो कि तो यहां पे लिखिएगा आप उन्नीस सोवियत संघ का विघटन कब हुआ 1989 यानी कि नवासी में सोवियत संघ विघटन विघटन हो गया यानी टूट गया ठीक है पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद टू हंड्रेड फोर्टी नाइन दो सौ तिरालीस संशोधन में ये हुआ है भारतीय मतलब पंचायती राज अधिनियम कोई पूछेगा पंचायती राज अधिनियम किस भाग में है तो भाग नौ के तिहत्तरवें संशोधन के बाद दो सौ तिरालीस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है नाइजीरिया में संघवाद की स्थापना को भी तो 1950 में पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत कब और किस समिति द्वारा हुआ तो पंचायती राज की विधिवत शुरुआत सबसे पहले आपको बता दें हम कि 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था और ये किसके द्वारा हुआ तो था तो बलवंत राय मेहता ये देखिए जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी और ख़राब होने के कारण जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है वो बोले कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो इतना बड़ा देश है तो गांव में हम लोग कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि गांव में कौन सा कंडीशन है क्या क्या जरूरत है ठीक है तो उसके लिए बहुत लोगों ने राय दिया कि ठीक है पंचायती राज प्रणाली लाइए ठीक है पंचायतें में एगो किसी को हेड बना दीजिए और वही टोटल इंफॉर्मेशन देता रहेगा और वो हमारे पास पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो बलवंत राय मेहता जी हैं इन्होंने बोला कि ठीक है हमको दो साल का समय दीजिए हम पूरा का पूरा भारत घूम करके और उसके बाद वहां की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे फिर बताएंगे कि आखिर वहाँ कौन नियम लाया जाए तो उसी समय यानी 1959 में यानी दो साल के बाद यानी 57 में ये बात बोला गया था और 9 में इन्होंने बताया कि वहां पंचायती राज व्यवस्था कायम होना चाहिए तो आपको बता दें कि बिहार में भी या फिर अपने भी आप देखे होंगे क्या होता है हम लोग का कोई भी कंप्लेन होता है तो हम लोग जाके कहते हैं मुखिया के पास ठीक है मुखिया अपना कंप्लेन ब्लॉक में देगा या फिर जो भी है कोई भी समस्या अगर आता है ठीक है सपोज आपको जन योजना वाला काम करवाना है आप अपने पंचायत में बोलेंगे पंचायत वाला ब्लॉक में बोले कि ब्लॉक वाला अपना लिख पढ़ के कहां देगा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाला आपको कहां देगा स्टेट में देगा ठीक है और वो स्टेट क्या करेगा आपको नल पास करके फिर वहां से आपको देगा यानी कि तीन खंडों में टूटा है यानी ग्राम पंचायत जो है पहला तो हो गया सबसे छोटा ग्राम पंचायत उसके बाद जिसमें मुखिया आते हैं हेड उसके बाद से पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पर हो गया बी और उसके बाद से जिला परिषद तीन गो आप याद रखिएगा यही तीन हिस्सा में तोड़ा गया है अगला है राजनीतिक दल का न्यूज सर्वप्रथम किस देश में हुआ तो राजनीतिक देखिए लोकतंत्र वाला जो भी सिस्टम है ये सबसे पहले ब्रिटेन में ब्रिटेन में हुआ था ठीक है अब देखिए बहुजन समाजवादी समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो स्वर्गीय काशीराम याद रखिएगा ये भारत देश के अंदर आपातकाल कब लागू हुआ तो 1975 में हुआ था ये क्यों हुआ था तो भारत में पूर्ण रूप से भूखमरी आ गई थी और उसी समय छात्र आंदोलन भी हुआ था ठीक है जिसके नेता कौन थे तो जेपी जो है ना जय जयप्रकाश नारायण यहाँ पे इंदिरा गांधी द्वारा ये आपातकाल लगा दिया गया और जितने भी लीडर मेन मेन थे ठीक है भूखमरी की स्थिति पूरी भारत में आ गई थी और मेन मेन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया आपातकाल के कारण अगला देखिए भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे तो महेंद्र सिंह की टिकैत अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के नेता कौन है तो आपको बता दें सुंदरलाल बहुगुणा वैसे चिपको आंदोलन होता क्या है तो ये देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन लोग किए थे क्योंकि उस समय पेड़ को काटा जा रहा था तो उस देश मतलब कि राज्य की बहुत सारी महिलाओं ने पेड़ से चिपक करके और क्या कर दिया भले ही पेड़ को बचाया भले ही पेड़ के साथ वो कट गई ठीक है उसी जो पेड़ से चिपक करके और एक आंदोलन किया गया जिसका नाम है चिपको आंदोलन ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है तो यहां पे बहुत बहुदलीय व्यवस्था में रहती है बहुत सारे दल मिल करके ना गठबंधन बनाते हैं आप देखे होंगे एक बार लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन बना था जिसमें कि उन्होंने बीजेपी को वहाँ से हराया था यानी देखिए होता क्या है गठबंधन की सरकार में मान लीजिए कि एक एक आदमी का पाँच सीट आया है एक आदमी का सात सीट आया है एक आदमी का चार सीट आया है तो पाँच और चार मिल करके नौ हो गया तो सात से ज़्यादा हो गया सीट ठीक है अगर सात से ज़्यादा हो गया तो दोनों मिला करके जो सरकार बनता है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये बहुदलीय होता है एगो दल उसमें नहीं होता है बहुत सारा दल होते हैं ठीक है सूचना का अधिकार आंदोलन कब और कहां हुए तो सूचना का अधिकार आंदोलन सबसे पहले 1990 में हुआ और सबसे पहले राजस्थान में हुआ अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बनी तो 2005 में बनी थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब आजाद हुआ तो हम लोगों का देश जब आजाद हुआ ना उसके एक साल के बाद हुआ यानी कि अपना देश पंद्रह अगस्त उन्नीस को हुआ और ये अड़तालीस को हुआ ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है और बता दें कि लोकतंत्र की यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे राजनीतिक की राजनीतिक दल की सबसे पहले शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था ऊपर हम बताए थे अब देखिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई तो 2007 में सूचका सूचना का स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ तो 2002 में हुआ बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ तो 1971 में हुआ था पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था 1971 में ये क्या हो गया आजाद हो गया और इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश बंगाल के साइड में है यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है ताड़ी विद्रोह विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से तो आंध्र प्रदेश में है देखिए ताड़ी विद्रोह क्या है देखिए पहले क्या होता था कि लोग शराब ताड़ी वगैरह जो भी है ये सब पी करके और महिलाओं को काफ़ी मतलब पीटते थे मारते थे इस कारण सारी महिलाएं उब करके और उन्होंने जहाँ जहाँ ताड़ी बिक रहा था उससे बहुत सारे जा कर के वहाँ पर बहुत सारे लोगों का घर वगैरह जला दिया लोग महिलाएँ पूरा झाड़ू लेकर के निकल गई मारने के लिए ठीक है तो ये ताड़ी विद्रोह यही है अपने बचाव के लिए एक तरीके से समझिए तो देखिए लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है सीटों की संख्या कितनी है तो 545 है अगला है भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी यानी कांग्रेसी नहीं गैर बिना कांग्रेस वाला तो याद याद रहेगा मोरारजी देसाई याद लिख लीजिएगा मोरारजी देसाई मोरारजी मोरारजी देसाई के द्वारा अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व तो में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ तो मोरारजी देसाई के ही शासनकाल में 1977 में क्या हुआ जनता पार्टी का गठन हुआ था बाद में ये जनता पार्टी टूट गया तो वही तो हम लोग आज देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जो इसको बीजेपी कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी इसको आरजेडी कहते हैं ये बहुत सारा बहुजन पार्टी सब इसी में से टूटा है जनता पार्टी का ही भी खंडन हुआ था छात्र आंदोलन जब हुआ था ना पचहत्तर में हुआ था जो लड़ाई चौहत्तर में छात्र आंदोलन हुआ था पचहत्तर में इमरजेंसी लगा था आपातकालीन इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था बिहार में छात्रों के आंदोलन की अगुवाई किसने की तो बताए थे ना वही जयप्रकाश नारायण उन्नीस में दलित युवा का एक संगठन को क्या कहते हैं तो दलित पैथर्स बोलते हैं याद है दलित पैथर्स बोलते हैं ये आप रट लीजिएगा देखिए नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है तो एम एम जी यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है और फैसला लेने में विलंब होता है तो लोकतंत्र में देखिएगा लोकतंत्र में हमेशा पाँच साल पर इलेक्शन हो ही जाना है जैसे आज मान लीजिए कोरोना है तो कोरोना में सब कुछ बंद हो जा रहा है पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जा रहा है लेकिन नियमित रूप से चुनाव हो जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना किसी चीज़ से डरता है तो किससे डरता है इलेक्शन से डरता है इसीलिए चुनाव नियमित रूप से होगा भले इसके लिए स्कूल बंद हो उससे मतलब नहीं है ठीक है सरकार को सरकार को बस चुनाव कराना है और देखिए और इस फैसला लेने में भी काफ़ी देर हो जाता है लोकतंत्र में क्या होता था क्या होता है अभी कि फैसला लेने में मान लीजिए कि आप किसी को केस किए केस आप जीत गए तब तक वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करेगा फिर से वो केस क्या होता है दोबारा खुल जाता है ठीक है यानी कि लगता है कि फैसला होने पर सरकार यानी कि वहाँ के न्यायाधीश को खुद पर भरोसा नहीं है इसीलिए दोबारा वो केस करने पर खोल देता है लोग जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अगला देखिए जिंदगी भर केस क्या चलते रह जाता है पाँच सात दस साल एक छोटा सा केस है और जिंदगी भर चलते रह जाता है तो अपने सरकार की क्वालिटी है इसीलिए अपना देश महान नहीं है ठीक है यहाँ देखिए पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था तो यहाँ 2009 में हुआ था जिसमें 10 परसेंट महिलाओं ने भाग लिया था ठीक है उसमें 10 परसेंट महिलाओं का सदस्यता था, था। <स्याँगा> अब देखिए लोकतंत्र को सर्वोच्चम शासन क्यों कहते हैं ठीक है सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं क्योंकि यह जनमत पर आधारित है सबका शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब लोगों ने मिलकर जन, मतलब, जन मत यानी कि जितने सब लोगों का मत मिलकर के और तब जाके लोकतंत्र में एक राजा चुना जाता है जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं एक तरह से कहा जाए तो देखिए अगला है हां असमानित लोकतंत्र में तुझे प्यार करता हूं ये बात एक आदमी बोले हैं कि ये जितना भी असमानित ही लोकतंत्र है लेकिन हम लोकतंत्र से क्या करते हैं प्यार करते हैं यह कथन किसका है तो जी बी स क्या है ठीक है जी बी स याद रखिएगा बिहार में डैश में लिच्छवी गणतंत्र कला सॉरी फला फूला तो कहाँ पे बिहार में तो वैशाली जिला में ये हुआ है ठीक है लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करती है यहाँ पे क्या रहेगा वैध यहाँ लिख के भी आंसर वैध सरकार में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है तो सबसे पुराना राजनीतिक दल है कौन है तो कांग्रेस है पचासी में ये क्या और इसका स्थापना हुआ था अगला देखिए राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रति किसके द्वारा प्रदान किया गया तो निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया प्रतिपादन सॉरी प्रदान किया गया दिया गया आप इसको याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई याद रखिए हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किस राज्य में आंदोलन होता तो आंध्र प्रदेश यानी ए पी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मत याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है तो डायसी की देन है ये याद रखिएगा और 18 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ तो उन्नीस में बोला गया स्विट्जरलैंड में कि 18 वर्ष की लड़कियां जा करके के वोट दे सकती हैं इस अब पूछा जाएगा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है अगला क्वेश्चन है किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो जो नेपाल देश है वहां पे माओवादी लोग हैं ठीक है माओवादी लोगों के चुनौतियों का सामना करना पड़ा था जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है तो देखिए जल संकट बोलीविया ठीक है बोलीविया में उभरा है जल संकट के कारण ही लोकतांत्रिक चुनौती का कारण बन गया है क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है क्षेत्र देखिए अब आपके गांव में अलग अलग क्षेत्र में अगर अगर लाफड़ा हो रहा है ठीक है तो उसका लास्ट में रिजल्ट आता है कि वहां से सारे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं यानी अलगाववाद हो जाता है जब भी क्षेत्र में क्षेत्रवाद होगा ठीक है क्षेत्र में एक दूसरे से लड़ाई होगी तो वहां सब लोग क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा तो था ना वीडियो शानदार और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम व्यू से तो फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद